हाय आज इस वीडियो में हम एल डेक एक्टिव एस डी एल स्टूडेंट एडिशन सेटअप करने वाले हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक्टिव एस डी एल स्टूडेंट एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है देन नेक्स्ट स्टेप होगा एप्लीकेशन सेटअप को डाउनलोड करना एंड देन हम उसका इंस्टॉलेशन एंड फाइनल सेटअप करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पी पर स्टूडेंट एडिशन कम्प्लीटली फ्री है स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन यूज़ के लिए बट उसके लिए आपको कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड उसके बाद आपको एक टाइम लिमिटेड डाउनलोड लिंक रिसीव होगा जिसे आपको यूज़ करना है सेटअप को डाउनलोड करने के लिए सो so, अगर आप एक एस डी टूल को सर्च कर रहे हो दैन डेफिनेटली एक्टिव एस को मस्ट ट्राई करना चाहिए डज नॉट मैटर आप पी एस प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हो या वेरी लॉग एस यूज़ करने वाले होंक्टिव एस डी एक स्मॉल बट पावरफुल टूल है फॉर एस डी सिमुलेशन एंड सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव एस डी एल ब्रांड का प्रोडक्ट है सो so हम एल के ऑफिशियल वेब पेज पर जाएंगे उसके लिए वेब ब्राउजर यू में टाइप करना है डब्ल्यू 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 डॉट एल डेक डॉट कॉम एंड कुछ इस तरह का वेब पेज आपको डिस्प्ले होगा नाउ माउस को प्रोडक्ट्स टैप पर मूव करना है फ्रॉम टॉप पैनल एंड एक्टिव एस प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है हम प्रोडक्ट टैप पर भी क्लिक कर सकते हैं सो एक्टिव एस डी एल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा इनकेस एक्टिव एस डी एल पेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है या फिर आपने प्रोडक्ट स्टेप पर क्लिक किया था लास्ट पेज पे दैन आप एक्टिव एस डी एल लेफ्ट पैनल से सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एपीजी पी जी फील्ड ओके अभी यहाँ पर फ्री एवोल्यूशन वर्जन का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है बट हमें फ्री स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करना है एंड उसके लिए यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सो स्टूडेंट एडिशन के लिए एक अल्टरनेट यू है जिसको हम यूज़ करेंगे सो प्रोडक्ट्स स्लैश एफ पी जी स्कोर स्लैश के आगे टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना है एक्टिव एस डी एल स्टूडेंट से एंड एंटरप्रेस करना है दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं सो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इफ अभी स्क्रीन पर जो वर्जन है वो एक्टिव एस डी एल स्टूडेंट एडिशन है एंड मैंशनड है फ्री एक्टिव एस डी एल स्टूडेंट एडिशन लाइसेंसिंग डिटेल्स हैं एंड की फीचर्स का ब्रीफ हाईलाइट्स है जो आप एक बार क्विकली देख सकते हो ओके okay, अभी हम फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना सो so, आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना है लाइक ईमेल आईडी, योर फर्स्ट नेम योर लास्ट नेम university name address city zip code country phone number ये मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो आप फिल करना मैंडेटरी है सारी डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है सो so, ये कंफर्मेशन पेज है कंफर्मिंग दैट थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग टू डाउनलोड एक्टिव एस डी एल स्टूडेंट एडिशन सॉफ्टवेयर अ डाउनलोड लिंक विल बी सेंड टू योर येल एड्रेस यू प्रोवाइडेड अभी आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर शेयर किया था नॉर्मली ये इंस्टेंट रिसीव हो जाता है अगर नहीं रिसीव हुआ है तो कुछ टाइम के बाद इन बॉक्स रिफ़्रेश करके ट्राई कर सकते हो या फिर स्पैम फोल्डर में भी आपको ये मिल सकता है एनी anyway, वे कुछ इस तरह का होगा फ्रॉम एल डेक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम एंड एक्टिव एस डी एल में सेटअप डॉट ए एक्सी का डाउनलोड लिंक पेस्टेड होगा सो सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है या फिर कॉपी पेस्ट करके भी ओपन कर सकते हो अपने वेब ब्राउज़र में लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डाउनलोड लिंक 24 फोर आवर्स के लिए ही वैलिड होगा सो so आपको एप्लीकेशन सेटअप को विद इन दिस पीरियड कंप्लीट करना होगा साइज वाइज सेटअप का साइज़ नियरली 550 फिफ्टी होता है पर डाउनलोड में नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है डिस्पाइट आपके पास एक अच्छा इंटरनेट बैंडविड्थ हो मे बी सोर्स बैंडविड्थ लिमिटेड होगी बट मेरे सिस्टम में ऑलमोस्ट एक आवर्स लगा था फॉर डाउनलोड कंप्लीशन ओके लिंक को ओपन कर लिया है एंड सिंपल कैप्चा टेस्ट है जिसे पास करना है बस अभी सबमिट कर देना है सो so, जैसे ही आप रिक्वेस्ट को सबमिट करोगे नेक्स्ट पेज कन्फर्मेशन पेज होगा दैट डाउनलोड विल स्टार्ट सून डाउनलोड स्टार्ट हो गया है

स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सेम सो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन ओके ये हमारा एप्लीकेशन सेटअप है फाइव थर्टी सेवन एम बी इन साइज सो राइट क्लिक करना है सेटअप पर एंड क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर ओके एप्लीकेशन सेटअप ओपन हो रहा है सो वेलकम पीच है एक्टिव एस जी स्टूडेंट एडिशन का सिंपली ब्रीफली पढ़ सकते हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट करना है ओके okay, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है जस्ट स्लाइड डाउन करना है और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है एंड कंपनी नेम डालना है सो यूजर नेम में आप सेम योर ई मेल आई डी जो आपने यूज़ किया था सेम आप डाल सकते हो और कंपनी नेम में अपना यूनिवर्सिटी का नेम डाल सकते हो एंड ये फिल करने के बाद आप को नेक्स्ट पर क्लिक करना है ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पर आपका सेटअप इंस्टॉल होगा सिंपली नेक्स्ट करना है अगेन सिंपली नेक्स्ट करना है इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इनको भी डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं एंड सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सो so ये समरी है क्लिक ऑन नेक्स्ट ओके सो अभी इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो गया है अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं दैन प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर कनेक्शंस ओके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है नाउ जस्ट फाइनल स्टेप रह गया है ओके सो दिस इज डन सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन फिनिश ओके नाउ सेटअप कंप्लीट हो गया है इंस्टॉलेशन भी हो गया है अभी एक बार ओपन करके देख लेते हैं तो टाइप करना है एक्टिव एस डी एल स्टूडेंट एडिशन सो ओपन कर लिया है ओके ब्रीफ वार्निंग है फॉर द लाइसेंस यूजेस दैट दिस इज स्टूडेंट एडिशन एंड आप इस एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए सो सिंपली एक्सेप्ट दिस एंड क्लिक ऑन ओके ओके लोड हो रहा है एक्टिव एस डी एल it takes some time so just be patient okay so start okay so this is your main window now you can start work on active sdl if you found this video helpful please give it a like and leave a comment below and don't forget to subscribe for regular updates